ओके सो डायरेक्ट सेलिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी लीडर्स हैं एटोमिक के अंदर हम सभी लोग ज्वाइन हैं और डेफिनेटली हम चाहते हैं कि सभी लोग यहाँ पे सक्सेस होना। ओके सो सक्सेस होने के लिए सबसे पहले तो हमें सीखना पड़ेगा यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फॉलोअर बनना पड़ेगा और देन यू बिकम लीडर। सो स्टार्टिंग में हम चीज़ें सीखते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। 3 महीने के बाद आप सभी लोगों में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है, 3 to 6 मंथ। तो 6 मंथ्स के अंदर आप एक अच्छे लीडर्स बन जाते हो, राइट। और विद इन 6 मंथ आपके काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, मैक्सिमम लोगों के एटोमिक के अंदर तो अच्छे हैं अभी तक। ओके सो अभी आपको अपने आप को अपग्रेड करते रहना। जब तक हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, ओके, तो हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। और हम एटोमी में काम कर रहे हैं सभी लोग अपने फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए और मोर देन 50 लाख अर्निंग पर मंथ। ओके सो 50 लाख पर मंथ अर्निंग हमें कैसे करनी है, उसके लिए हमें डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन से कार्डिनल रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होंगे। और एटोमी के नॉलेज से हम यहाँ पे सक्सेस नहीं होने वाले। उसके अलावा हमें कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे सीखनी है जो हमारी पर्सनल मास्टरी ग्रोथ को डेवलप करे, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करे। साथ के साथ आपको टीम को कैसे मैनेज करना है, टीम के मैनेजमेंट को अपग्रेड कैसे करना है और टीम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को कैसे इश्यू यूज करना है, जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको दूर कैसे करना है विद इन द टाइम, टीम के मैनेजमेंट के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट, और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आप अपनी टीम, लेफ्ट की टीम, राइट की टीम, अपलाइन, डाउनलाइन, स्पॉन्सर्स, जितने भी बिजनेस पार्टनर्स हैं और सभी लोग यहाँ पे एज ए टीम काम कर रहे हैं, तो क्या करना है टीम के अंदर एक्टिविटी, क्या नहीं करना है। और इसके अलावा काफी चीजें हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में आपको सीखनी है यहाँ पे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको एटोमी की नॉलेज हो गई अच्छी खासी। ओके सो वहां से हमारी सक्सेस एक बेस स्ट्रॉन्ग तैयार होता है, लेकिन उस बेस को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन जो फॉलो करने होते हैं। कई बार उन मेन चीज़ों को अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो हम डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, डायरेक्ट सेलिंग के क्या क्या डूज है और क्या डोंट डूज है, क्या करना है और क्या नहीं, तो कार्डिनल रूल्स बोले जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि अगर कार्डिनल रूल्स को हम फॉलो नहीं करते हैं तो यहाँ पे कई बार टीम ब्रेक हो जाती है और इससे जो भी मेहनत हमने पास्ट में की होती है वो जीरो हो जाती है। सो आपकी मेहनत जीरो ना हो तो आपको कार्डिनल रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और 9 डूज एंड डोंट डूज है, 9 पॉइंट्स है जिसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद 7 दूसरे पॉइंट्स, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सो 9 पॉइंट्स पर डिस्कस करने से पहले हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ओके एटीट्यूड इज एवरीथिंग। सो सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस लीडर का एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, जिस बिजनेस पार्टनर का, वो यहाँ पे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। सारे के सारे चीज़ें आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड है कि आप एटोमी को एज ए पार्ट टाइम ले रहे हैं, एज ए फुल टाइम ले रहे हैं, आपका माइंडसेट कैसा है। तो सबसे पहले अगर आपको एटोमी के अंदर सक्सेस होना है तो यहाँ पे एटीट्यूड का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। सो आपको यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बढ़ना आगे, और अगर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होता है तो हम यहाँ पे आगे लॉन्ग जर्नी ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। और ये एम्पल मास्टर की जर्नी है, इसको कंप्लीट करने के लिए आपका हर वक्त एटीट्यूड पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। और कहा जाता है कि एटीट्यूड ही एवरीथिंग है, और एटीट्यूड अगर आपका पॉजिटिव होगा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स का काम करेगा और आपके चारों तरफ पॉजिटिव वाइब्स रहेंगी हमेशा। अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, किसी भी काम को करने से पहले अगर आप लोग नेगेटिव सोचते हो, अपनी बिजनेस पार्टनर्स के बारे में नेगेटिव सोचेंगे, अपलाइन के बारे में नेगेटिव सोचेंगे, डाउनलाइन के बारे में नेगेटिव सोचेंगे, सो नेगेटिव एटीट्यूड के साथ हम ज़्यादा डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर सकते, ज़्यादा दूर तक हम किसी भी बिजनेस में टिके नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हर जगह नेगेटिव एनर्जी वाइब्रेट करेगी और वो आपका जो गोल और ड्रीम है वहाँ तक आप लोग नहीं पहुँच पाओगे। सो एटीट्यूड आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब आप काम करते हो तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जो कई बार आपके अनुरूप नहीं चलेंगी, तो वहाँ पे पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है आपको। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपने किक मारी और सीधा आप 6th गियर में आ जाओगे। ओके 5, 6, फर्स्ट और सेकंड गियर में आना बहुत ज़रूरी है। स्पीड अप धीरे धीरे आपको बनना पड़ेगा, 3rd, 4th, 6th। सो यहाँ पे काफ़ी लोग स्टार्टिंग में आते हैं और वो चाहते हैं कि एक दिन में करोड़पति बन जाए, 1 महीने में बन जाए, तो ऐसा किसी भी कंपनी के अंदर नहीं होता है। और अगर होता है तो वो सब मनी रोटेशन की कंपनी है, वो ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है, लोगों का पैसा वेस्ट होता है वहाँ पे। ओके सो एटीट्यूड इज एवरीथिंग। सो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम कीजिए यहाँ पे, अपने लेफ्ट की टीम, राइट की टीम, सभी बिजनेस पार्टनर्स के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना है। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी नेगेटिविटी दिखाई देती है तो लेट देम कन्वर्ट इन टू पॉजिटिव वाइब्स, राइट। सो आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर काम करना है एंड डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन एटोमी, राइट। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क।
और जो सक्सेस है डेफिनेटली आप सभी को पता है कि छोटी छोटी हैबिट्स का एक कलेक्टिवली एफर्ट है। जब आप छोटी छोटी हैबिट्स डेली बेसिस पे अपने एक्शंस में डालते हैं और जो सक्सेस है वो इकट्ठा होकर के वो रिजल्ट है सभी आपके डेली बेसिस, जो छोटी छोटी हैबिट्स हैं, छोटे छोटे एक्शंस हैं, वो रिजल्ट में आपको मिलता है सक्सेस। और टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, आपके जितने भी ड्रीम है, जितने भी गोल्स है लाइफ के, वो अचीव तब होंगे जब आप एक टीम बनाएंगे, अच्छी टीम। और उस टीम के अंदर जो रूट लेवल पे आप लोग काम करोगे, ग्रास रूट लेवल पे, तो वहां पे आपको टीम वर्क के साथ साथ काम करना है। और टीम वर्क के साथ साथ आपको जो रूट लेवल है, यानी कि जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे आपका जो बेस ऑफ फाउंडेशन है वो किस तरीके से स्ट्रोंग है। जितने भी आपके टीम के लीडर्स हैं, डेफिनेटली वो आपको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, आपके सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, टीम के सभी लीडर्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। सो ये इफेक्ट पड़ता है ड्रीम वर्क को अचीव करने में। सो डिपेंड ये करता है कि आपकी टीम किस तरीके से काम कर रही है। आपने एक 100 लोगों की टीम बनाई, राइट, और आप किसी उस सिस्टम है टीम का, उसको आपकी टीम ने फॉलो नहीं किया, आपने अपने अपलायंस से कनेक्ट नहीं करवाया, तो अकेले जब आप किसी भी सिस्टम के अंदर आते हो तो धीरे धीरे टीम बिल्ड होना शुरू होती है, बड़ी होती रहती है, राइट। सो आपके जितने भी मेंटर्स हैं उनसे कनेक्शन रखना बहुत जरूरी है, ताकि कभी कोई लीडर्स कोई कार्डिनल रूल्स को ब्रेक करता है, कोई इश्यूज आते हैं, तो समटाइम्स क्या होता है कि मेन लीडर्स हैंडल नहीं कर पाता, तो लेट देम हैंडल टू अवर मेंटर्स। सो मेंटर्स का मतलब आपके टीम का जो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर सभी लोग आ गए, जो भी आपके अपलाइंस हैं, मेंटर्स हैं, तो वो टीम को एक यूनिटी में बांध के रखते हैं, राइट। और कभी भी कोई भी इश्यूज आता है तो 3 से 4 लोग, 5 लोग मिलकर के उस इश्यूज को रिजोल्व करते हैं। कई बार एक व्यक्ति से रिजोल्व नहीं होते इश्यू, राइट। सो सेकंड थर्ड फोर्थ, तो एज ए टीम वर्क वो लोग उस कोई भी इश्यू अराइज होता है तो उसको रिजोल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, टीम वर्क के अंदर आपके पास जितने भी मेंटर्स है, एज ए यूनिटी आपको काम करना है, और आपके जितने भी ड्रीम्स हैं वो अकेले व्यक्ति से फुलफिल कभी नहीं हो पाएंगे जब तक आपका टीम वर्क नहीं होगा, सारे लोग आपके साथ मिलकर के नहीं करेंगे। और कोई भी मास्टरशिप होती है एटॉमिक के अंदर, वो टीम वर्क का रिजल्ट होता है, कलेक्टिवली एफर्ट्स होता है हर एक व्यक्ति का, हर एक बिजनेस पार्टनर्स का। सो आप फोकस कीजिए टीम वर्क के साथ मिलकर के, सिस्टम को फॉलो कीजिए आप लोग, और जब तक आप लोग सिस्टम में लोगों को नहीं डालोगे तो लोगों को डायरेक्शंस नहीं मिलेंगी कब क्या करना है, राइट। सो डायरेक्शंस देना बहुत जरूरी है टीम वर्क के साथ साथ, अगर आप ड्रीम वर्क अचीव करना चाहते हो तो, राइट। भारत में ई कॉमर्स मार्केट है 39 करोड़ का, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सिर्फ 2.5 करोड़ का है, और एटोमी एक ऐसी इकलौती डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो ई कॉमर्स बेस्ड है। सो आपको पता है ई कॉमर्स का मार्केट जो 39 करोड़ का है, उसमें आप लोग किस प्लेटफॉर्म पे हो, और डायरेक्ट सेलिंग के जो मेंबर्स है वो 2.5 करोड़ ही है, और आने वाला जो फ्यूचर है वो डेफिनेटली एटोमी का है, क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है वो एक ई कॉमर्स मार्केट का है, राइट। और इस ई कॉमर्स का मार्केट इंडिया के अंदर कितना है, 39 करोड़ से ज़्यादा का है, ये पुरानी स्लाइड है, ओके। सो फ्यूचर जो है, नेक्स्ट जनरेशन का जो फ्यूचर है वो ई कॉमर्स मार्केट के अंदर है, और नई नई टेक्नोलॉजीज के अंदर है, नई नई इनोवेशंस के अंदर है। सो एटोमी एक फ्यूचर बिजनेस है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बिजनेस है। सो यहाँ पे आपको सक्सेस होने के लिए फोकस करना पड़ेगा, डाटा के साथ आप लोग काम कर सकते हैं, ई कॉमर्स का मार्केट आप देख सकते हैं, और आने वाले टाइम के अंदर ये मार्केट बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं है। और एटोमी सिर्फ एक ऐसी कंपनी जो ई कॉमर्स बेस पूरे वर्ल्ड के अंदर 26 कंट्रीज में लॉन्च हो चुके हैं। 19 अप्रैल को अभी जर्मनी लॉन्च हुआ है, और उसके साथ Plus27 जो सब्सिडरी है वहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स यूज होंगे। सो आप लोग सोच सकते हो आने वाले टाइम के अंदर एटोमी 80 से 90 कंट्रीज में जा चुकी होगी अगले 10 साल के अंदर, राइट। सो तब कितना बड़ा मार्केट को ये कैप्चर करेंगे, सो आप सोच सकते हो। और इंडिया के अंदर भी हम मार्केट को कैप्चर कर चुके हैं ऑलरेडी। सो आपका जो फ्यूचर है यहाँ पे स्ट्रोंग है, और बिल्कुल यहाँ पे आप लोग सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं वेरी इजीली, ओके। अब चीजें आती हैं सोचने के ऊपर, आपके नजरिए के ऊपर। सो स्टार्टिंग में मैंने बताया एटीट्यूड, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो उस तरीके से आप लोग थॉट प्रोसेस बना सकते हो, थिंकिंग विदाउट एक्शन और एक एक्शन विदाउट थिंकिंग। थिंकिंग विदाउट एक्शन, आप हमेशा ड्रीम्स लेते रहते हैं, सपने लेते रहते हैं, अगर आप एक्शंस नहीं लेंगे तो वहां पे आप सक्सेस नहीं हो पाए। हम सोते हुए सारे ड्रीम्स लेते हैं, डेफिनेट मैं कल ये करूंगा वो करूंगा, हमारी जो सोच है वो हमारे सपनों तक ही है, और वो सपनों तक ही रहेगी जब तक उसको डेली बेसिस पे हम एक्शंस में नहीं लेंगे। एक्शंस में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है टीम को,
जब तक आप अपनी टीम के एक्शंस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, अपने जो ड्रीम्स हैं उनको डेली बेसिस में एक्शंस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक आप लोग सक्सेस नहीं हो पाओगे। सो आपके जो एक्शंस हैं, थॉट प्रोसेस है, उनको कन्वर्ट कीजिए डेली रूटीन एक्शंस में। जो सोचा है वो अगले दिन से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें। नेक्स्ट है एक्शन विदाउट थिंकिंग। आप जो एक्शन ले रहे बिना सोचे वो भी गलत है, राइट? तो सबसे पहले सोचिए, प्लान कीजिए, अपने प्लानिंग के साथ बैठिए, स्पॉन्सर के साथ बैठिए, डिस्कस कीजिए, आई वांट टू डू दिस न्यू थिंग। कोई भी नई चीज़ कर रहे हैं, कोई भी नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो सक्सेस होगा फेलियर होगा वो बाद की बात है, बट यू शुड डिस्कस विद योर मेंटर्स। ओके, आपके मेंटर्स आपको गाइड करेंगे राइट वे में। सो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें गलत हैं। सो सोचिए डेफिनेटली, बिना एक्शंस के आपकी सोच भी काम नहीं देगी। सो एक्शंस लेना बहुत जरूरी, सोच के साथ साथ। और जब आप एक्शंस लेने लग जाते हैं, अगर विदाउट थिंकिंग एक्शंस लेंगे तो वो एक्शंस आप पे काम नहीं करेंगे, यूजफुलनेस नहीं होगा। सो एक्शंस विदाउट थिंकिंग डोंट फॉलो। ओके, सो आप एक्शंस लीजिए लेकिन थॉट प्रोसेस के साथ लीजिए कि ये एक्शंस मैं ले रहा हूँ। आप अपने टीम के अंदर डिस्कस कीजिए, मेंटर्स के साथ डिस्कस कीजिए, ताकि वो आपको फ्रूटफुल रहे और आपको रिजल्ट्स मिले उस एक्शंस का, राइट? सो एक्शंस विद थिंकिंग आपको करना है यहाँ पे, राइट? और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि काफ़ी लोग हैं इस इंडस्ट्री के अंदर जो सक्सेस होते हैं, और सक्सेस होने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ है विदाउट एक्शंस, विदाउट हार्डवर्क हम यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और जितने लोग काम कर रहे हैं डेफिनेटली वो बिल्कुल सक्सेस होंगे, लेकिन अभी हमारे जो फैमिली का रूटीन ले लो आप, कोई भी रूटीन ले लो, कोई भी पैटर्न ले लो, सुबह कोई भी प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब, सुबह जाते हैं शाम को घर आते हैं डेफिनेटली। ओके, और महीने का 30-40 हज़ार यही है। तो डेली बेसिस पे हमारा रूटीन ये है, एक पैटर्न सेट हो रखा है अपना लाइफ के अंदर, सुबह जाएंगे शाम को घर आएंगे, दैट्स ऑल। एक्स्ट्रा हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि हमारी लाइफ चेंज हो? और लाइफ को चेंज करने के लिए आपने कौन कौन से एक्शंस लिए हैं? उस पैटर्न को, उस माइंडसेट को जब तक आप ब्रेक नहीं करोगे, तब तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं ले पाओगे। जो भी आप काम कर रहे हो उसके पैटर्न को थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा आपको, और पैटर्न अगर आपने ब्रेक कर लिया विद गुड हैबिट्स एंड गुड एक्शंस ऑन डेली बेसिस, सो डेफिनेटली आप सेकेंड सोर्स ऑफ अर्निंग आपका बहुत बड़ा हो सकता है यहाँ पे। सो पैटर्न को ब्रेक कीजिए विद पॉजिटिव रिलेशनशिप इन टीम। टीम के साथ कम्युनिकेशन आपका बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए, और जब आप पैटर्न ब्रेक कर रहे हो तो आप सक्सेस के स्टेज पे आ चुके हो ऑलरेडी। सो आपको पैटर्न ब्रेक करना है। जो काम आज लोग आप लोग कर रहे हो, सोचिए अगले 10 साल तक कितना रन कर पाओगे वहां से, उसी शेड्यूल से। हमारे पेरेंट्स, बाप दादा, जो भी उस रूटीन में काम कर रहे हैं, वट एवर जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस है, सोर्स ऑफ अर्निंग वहाँ पे लिमिटेड होता है। लेकिन अगर आपको अच्छा खासा सोर्स ऑफ अर्निंग करना है, आपके फैमिली के अंदर आपको करोड़पति बनना है, करोड़पति बनना है, बनोगे डेफिनेटली, लेकिन उस पैटर्न से अलग हटके अगर काम किया तो ही हम बन पाएंगे, वरना उसी पैटर्न में हम रहेंगे। और काफ़ी लोग उस पैटर्न को तोड़ना नहीं चाहते। एक कंफर्टेबल जोन होता है, तो कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत जरूरी है आप लोगों का। ओके, जब तक उस जोन से बाहर नहीं निकलोगे तब तक हम यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाएंगे। सम गोल्स कैन ओनली बी अचीव विद दी कोलाब्रेशन। सो ये बिल्कुल सही बात कहा है। एटॉमिक के अंदर हर व्यक्ति के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने के लिए। ओके, हर व्यक्ति के पास इक्वल प्लेटफॉर्म है, चाहे कोई आज आया हो या 10 साल के बाद आएगा उसके लिए भी। ओके, सो हर व्यक्ति के पास यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी ग्रो करने के लिए। सो आपको टीम के साथ कोलैबोरेट करके सारे गोल्स आप लोग खुद के भी अचीव कर सकते हो, वो टीम के अचीव करवा सकते हो। सो टीम वर्क इज ड्रीम वर्क। सो फर्स्ट जो कार्डिनल रूल्स है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम, कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले उसका कारण पता लगाइए, रीजन। जब तक आपको वाई क्लियर नहीं होगा कि मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूँ, मेरे को सक्सेसफुल लाइफ में क्यों होना है, किस लिए होना है, अपने लिए होना है, पेरेंट्स के लिए होना है, फैमिली के लिए होना है, समाज के लिए होना है, सोसाइटी के लिए होना है, एक अच्छी लाइफ जीनी है, फैमिली को अच्छी लाइफ देनी है, जब तक रीजन नहीं पता होगा आपको तब तक आप लोग बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। जब काम करें तो उस रीजन को आगे रखिए। ओके, सो आपका जो कारण है वाई है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए यहाँ पे। ओके, क्या आप जिस कारण इस बिजनेस को कर रहे हैं वह कारण पूरा करने का कोई दूसरा प्लेटफॉर्म भी है? एटोमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको 50 लाख से ज़्यादा इनकम देगा पर मंथ, 100% देगा। और लोग यहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम कमा रहे हैं, हाईएस्ट अर्नर भी यहाँ पे 1 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं, फिल मास्टर्स, राइट? अगर आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको महीने के 50 लाख से ज़्यादा दे सकता है, डेफिनेटली यू शुड गो देयर। ओके,
जब आपको एश्योर है कि एटॉमिक के अंदर आप इतना अर्न कर सकते हैं महीने का, सो आपको यहाँ पे सीरियस होकर के काम करना बहुत जरूरी है। और जब तक आप लोग सीरियस होकर के काम नहीं करेंगे, बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। सो प्लेटफॉर्म आपके पास है, बस ये एक प्रोसेस है 3 to 5 years की। इस प्रोसेस को आप फुलफिल कीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट ओल्ड। आप अपने कार ड्रीम को पूरा करने के लिए किस हद तक की मेहनत कर सकते हैं, और आपके जो ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए आपको यहाँ पे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, राइट? यानी कि आपको अपना टाइम देना पड़ेगा एटॉमिक, और जब तक आप लोग टाइम नहीं दोगे तब तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं ले पाओगे। सो फर्स्ट है रीजन, आपको रीजन पता होना चाहिए कि मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, क्या कारण है। दैट शुड बी वेरी स्ट्रोंग, आपका वाई स्ट्रोंग होना चाहिए, WHY, राइट? सेकेंड, अपना गोल बनाइए। देखिए गोल कई तरीके के होते हैं लाइफ में, ड्रीम्स अलग होते हैं, गोल्स अलग होते हैं, ठीक है? कुछ जो गोल्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ मिडिल टर्म होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं, राइट? सो आपका एटॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लॉन्ग टर्म आपका गोल है इम्पीरियल मास्टर बनना, 3 to 5 years, ओके? शॉर्ट टर्म गोल 3 to 6 month का आपको लिखना है अपने नोटबुक के अंदर, डायरी में रिटर्न गोल्स बनाइए, और पेपर आप अपने रूम में चिपका सकते हैं, पेपर पे लिख सकते हैं। कहा जाता है जो लिख दिया जाता है वो पूरा हो ही जाता है, अगर आप उसके पीछे जी जान से अगर मेहनत करते हैं तो, राइट? और मिडिल टर्म गोल होता है 1 से 2 साल का। तो शॉर्ट टर्म आप लोग गोल बनाइए 3 to 6 month का। इस शॉर्ट टर्म गोल के अंदर आप लोग टीम गोल बना सकते हैं, कितनी मैचिंग इनकम लेनी है आपको, टीम के अंदर कितने लोगों को एजेंट लेवल क्वालिफाई करवाना है, आपका सेल्स मास्टर का क्या टारगेट है, सेमी सेल्स मास्टर का गोल ले सकते हैं, ओके? टीम साइज का गोल ले सकते हैं 3 to 6 month में, 100, 200, 500, 1000, ओके? सो शॉर्ट टर्म गोल बनाइए, उसके बेसिस पे आप लोग एक्शन लीजिए, और देखिए कि आप अपने शॉर्ट टर्म गोल के कितना नजदीक जा रहे हो 3 to 6 month में। अपने आप को एनालाइज कीजिए मंथली बेसिस पे, और अकॉर्डिंगली आप अपने आप को स्पीड अप करिए, राइट? मिडिल टर्म गोल आप अपना डायमंड मास्टर, शुरू रोज मास्टर रख सकते हैं एटॉमिक के अंदर 1 to 2 years का। और टीम के अंदर कितने सेल्स मास्टर आप लोग क्रिएट करने वाले हो अगले 1 से 2 साल के अंदर, कितने डायमंड मास्टर क्रिएट करने वाले हो, ये सारे आप लोग गोल लिख सकते हैं। लॉन्ग टर्म का गोल पता है आपको इम्पीरियल मास्टर है, और ये विद टीम सपोर्ट होता है। तो टीम के अंदर जितने ज्यादा लोगों को हम सक्सेस करेंगे उतना जल्दी हम सक्सेस होंगे सभी लोग, राइट? सो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म आप लोग गोल बनाइए। नेक्स्ट है हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए। सीखने का मतलब लर्निंग, LLL, लॉन्ग लाइफ लर्नर्स। सो हम सभी लोग लॉन्ग लाइफ लर्नर्स हैं, और किसी न किसी एज में हम सभी लोग सीखते रहते हैं, एज का कोई मैटर नहीं करता, ओके? एटॉमिक के अंदर 18 साल की एज होनी चाहिए आपकी, और 100 साल तक हम लोग सीखते रहते हैं, ओके? जितने भी मीटिंग्स होती है ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपके स्पॉन्सर अपलाइन को पता है कि मेरी टीम को इस टीम मीटिंग की रिक्वायरमेंट है, और आपको बोला जाता है कि आप ये मीटिंग प्लान कर रहे हैं हम ऑफलाइन ऑनलाइन, और आप डिनाई करते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं, तो यहाँ से आप सक्सेस से बिल्कुल दूर जा रहे हैं। तो आपको चीज़ें सीखनी है यहाँ पे, और मेंटर ने जो बोला है वो करना है, सिस्टम को फॉलो करना है, वरना फ्री तो हम सभी हैं ही। लाइफ में गाइड करने वाला एक ऐसा साथी चाहिए जो आपको हमेशा अपग्रेड करता रहे, एक फ्रेंड सर्कल ऐसा बनाइए जो हमेशा आपको अपग्रेड करता रहे, वरना लाइफ में सभी के हर प्रकार के फ्रेंड सर्कल तो रहता ही है। कुछ लोग ऐसे बनाइए जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो, और आपका जो लेवल है, लिविंग लेवल है, उसको अपग्रेड करने में आपकी हेल्प करें। सो जो जो एक्शन वो बताते हैं अगर वो फॉलो कीजिए, अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो डेफिनेटली वो आपको छोड़ देंगे। सो आपके मेंटर्स जितनी मीटिंग्स होती हैं उसमें आपको इनवाइट करते हैं, तो आपका क्वेश्चन नहीं होना चाहिए वहाँ पे, आर्गूमेंट्स नहीं, नहीं मैं नहीं आऊँगा। सो डेफिनेटली अगर आप ना करते वहाँ पे तो यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द सक्सेस। नेक्स्ट है बुक रीडिंग, एक बुक अच्छी पढ़िए डेली बेसिस पे। जितने भी 50 जो लोग हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो करोड़पति अरबपति है, उनमें एक आदत कॉमन है सभी के अंदर, वो डेली बेसिस पे बुक जरूर पढ़ते हैं। कोई महीने की 3 बुक खत्म करता है, कोई 5, कोई 10। वो रीडिंग करने के बाद आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है, वो कंट्रोल में रहता है एटलीस्ट, ओके? ADP, LDP, लीडरशिप डेवलपमेंट मीटिंग्स कीजिए आप अपनी और टीम की। कभी कभी बड़ी इमारत खड़ी करने के लिए नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको अपनी नींव मजबूत करनी है तो आपको लगातार सीखना होगा। मैं भी सीख रहा हूँ, आप सभी से भी सीख रहा हूँ, मेरे टीम में मेरे से अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, मेंटर्स हैं, सभी से मैं सीख रहा हूँ, और ये प्रोसेस में लर्निंग करता रहूँगा अप टू होल लाइफ। सो सीखना इज फैक्टर नहीं, मैं
करता है कि आप सीख क्या रहे हैं वो मैटर करते हैं, आप अपना फाउंडेशन कितना स्ट्रोंग कर रहे हैं इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वो मैटर करता है यहाँ पे। अगर आपका खुद का फाउंडेशन स्ट्रोंग नहीं होगा, आपकी इमारत की नींव मजबूत नहीं होगी, तो आप अपनी टीम का फाउंडेशन स्ट्रोंग नहीं कर पाएंगे। सो अगर आपको टीम का फाउंडेशन स्ट्रोंग करना है तो आपका फाउंडेशन स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है विद द सिस्टम। सो ये चीजें कनेक्टिंग है एक दूसरे से, सो इनको आपको कनेक्ट करके रखना है, राइट। फोर्थ पॉइंट है अपने ऊपर विश्वास रखें। काफी लोग है रिजेक्शंस को फेस करते करते सो जाते हैं, कई बार क्विट कर जाते हैं। अगर आप एटोमी में सक्सेस होना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो नेवर गिव अप, यहाँ पे गिव अप नहीं करना है आपको। ओके, अगर आप गिव अप करते हैं तो फिर आप अपने सपनों से बहुत दूर चले जाएंगे, और जो लाइफ में डेली बेसिस पे आप कर रहे हो, जितना काम करोगे आपको उतना ही पैसा मिलेगा, वही महीने के 20-30-50 हज़ार, सिंपल। अगर आपको बड़ा काम करना है तो सेल्फ बिलीफ होना बहुत जरूरी है, खुद के ऊपर विश्वास रखना आपको। और खुद के ऊपर जब आप लोग विश्वास रखेंगे तो यहाँ पे आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हो। और कहा जाता है कि माइंड सेट इज एवरीथिंग, अगर आप माइंड से स्ट्रोंग हो तो आप दुनिया की कोई भी चीज कर सकते हो। कहा जाता है कि जो आदमी इंसान सोच सकता है अपने थॉट्स में, थॉट प्रोसेस में, दिमाग में, वो आप लोग कर भी सकते हो, और ऐसा प्रूफ हो भी चुका ऑलरेडी, साइंटिफिक प्रूवन है। सो यू आर द ग्रेटेस्ट थिंग्स ऑन दिस अर्थ। ओके, आप कुछ भी कर सकते हैं, और यू विल गेट एवरी हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। ओके, यू आर एलिजिबल, राइट। सभी की सफलता के लिए सभी जरूरी काम सिर्फ आप ही करते हैं, इसके लिए आप कभी कभी किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। किसी और के ऊपर निर्भर रहने का मतलब ये है कि आपके सपनों को आप ही पूरा करोगे, और जो आपके अपलाइन या डाउनलाइन, ये सारे लोग आपके साथ मिलकर काम करेंगे, और एक सिस्टम में रह करके हम यहाँ पे काम करेंगे। ओके, और आपको इंडिपेंडेंट बनना है सीखने के बाद, ताकि आप अपनी टीम को लीड कर पाओ। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी टीम की, सो सीखने के ऊपर फोकस कीजिए। ओके, और जब आप सीखने के ऊपर फोकस करेंगे, जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हुआ है वो काम करता है, जो नेचर का लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो काम करेगा, और आपके जो ड्रीम्स एंड गोल्स हैं वो डेफिनेटली वहां तक आपको नजदीक लेकर के जाएंगी। चीजें जब आप सीखने पर कोशिश करोगे, मेहनत करोगे, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती चली जाएंगी। कनेक्शन अच्छे अच्छे लोगों से, अच्छे अच्छे लीडर से आपके बनते हुए चले जाएंगे। अगर आप भागोगे दूर, खुद के ऊपर विश्वास नहीं रहेगा, रिजेक्शन को फेस नहीं कर पाओगे, फेलियर होना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग फेल नहीं होगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि सक्सेस कैसे होते हैं। सो रिजेक्शंस या नो, नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो रिजेक्शंस सभी लोग फेस करते हैं लाइफ में। अगर आप लोग एक रिजेक्शंस फेस करने के बाद क्विट करते हो किसी भी सिस्टम को, सो डेफिनेटली आपको वही मिलेगा जहाँ आज आप हो। अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, आज से 3 साल के बाद, 5 साल के बाद सारी चीजें फुलफिल करना चाहते हो, तो आपको सीखना पड़ेगा और रिजेक्शंस को फेस करना पड़ेगा, ना सुनने की आदत भी डालनी पड़ेगी। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। किसी एक व्यक्ति में दिल डालकर नहीं बैठना कि ये नहीं आया तो मेरा काम होगा नहीं। नो, अपने आप को इतना मजबूत करो, इंडिपेंडेंट बनाओ कि लोग आपका एग्जाम्पल्स दें। सो उसके लिए आपको फोकस करना है, और सिस्टम के अंदर रह करके ये सारी चीजें पूरी होती हैं, और अकेले कभी भी डायरेक्शंस में नहीं चलना, सब लोगों के साथ मिलकर के काम करना है। नेक्स्ट है 5, होम मीटिंग्स। छोटी छोटी मीटिंग्स एक दिन बड़े सेमिनार का रूप लेती है, बिकॉज अगर आप छोटी छोटी मीटिंग्स आज नहीं करोगे, और ये सोचोगे कि मैं 100 लोगों की, 200 लोगों की मीटिंग्स कर लूंगा, ओके, एक साथ, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। ओके, सो छोटी छोटी होम मीटिंग्स कीजिए, और एक दिन ये सभी मीटिंग्स एक बड़े सेमिनार का रूप लेंगे। ओके, कहीं किसी लोकेशन में आप लोग जाओगे, 5 लोग मिलेंगे, 10 लोग मिलेंगे, मीटिंग कीजिए। 2 लोग मिलेंगे, मीटिंग कीजिए। 1 लोग मिलेंगे, मीटिंग कीजिए। अगर आपने एक व्यक्ति का माइंड सेट कर दिया, तो वो एक व्यक्ति हजारों लोगों का माइंड सेट कर सकता है। ऐसा ऑलरेडी प्रूव हो चुका है एटोमिक के अंदर। एटोमिक के सीईओ जो थे, ग्लोबल एडवाइजर यूएसए के अंदर, एक एक व्यक्ति को मीटिंग दी उन्होंने, और दो दो दिन अपनी फ्लाइट डिले किया उन्होंने, राइट। सो ये एग्जाम्पल्स हैं एटोमिक के अंदर। सो वीकली बेसिस टारगेट कीजिए, 3 होम मीटिंग्स जरूर कीजिए। ओके, जिस परिवार को आप व्यापार में, बिजनेस में पक्का करना चाहते हो, उस परिवार में हफ्ते में एक बार 3 महीने होम मीटिंग कर दीजिए। यानी कि रिलेशंस और कनेक्शंस बनाना बहुत जरूरी है होम टू होम, ताकि वो आपके स्ट्रोंग बिजनेस पार्टनर्स डेवलप हो चुके हो, राइट। और बड़ा पैसा कमाने के लिए आपको बड़ा काम करने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे, छोटे छोटे काम डेली बेसिस पे कीजिए, वही काम आपको बड़ा बनाएगा। सो आपको यहाँ पे थॉट प्रोसेस है जो रिवर्स करना पड़ेगा, छोटे छोटे काम कीजिए डेली बेसिस पे, जो कि आपको बड़ा बनाते हैं। और इस एक बार जाओगे कि आप चाहोगे कि 1,500 लोगों की मीटिंग हो, दैट्स नॉट पॉसिबल, और ऐसा कहीं भी नहीं होता डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, राइट।
सिक्स, शुक्रिया और तारीफ करने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति आपके लिए छोटा और बड़ा नहीं हो, कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा मिलता है तो आपको हमेशा थैंक्स बोलने की आदत डालिए, और जो भी आपके पास है उसके लिए सेटिस्फेक्शन रखे अपने आप को। और अपलाइन या डाउनलाइन कभी भी कोई अच्छा काम करे तो दिल से तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि आज अगर आप किसी की तारीफ नहीं करोगे तो आपके सक्सेस में आपकी भी कोई तारीफ नहीं करेगा। टीम के अंदर छोटे छोटे ऑर्डर्स लगते हैं, किसी का जनरल कमीशन मिलता है, किसी की आईडी लगती है। अप्रिशिएट कीजिए हर व्यक्ति को, एक कल्चर के अंदर डालिए, अप्रिशिएट कीजिए। कल आपकी टर्न है, आज उनकी टर्न है तो कल आपकी टर्न है। और छोटी छोटी चीज़ों को, सक्सेस को सेलिब्रेट कीजिए टीम के अंदर। अगर आप ये कल्चर टीम के अंदर नहीं डालते हो तो टीम फिनिश हो जाती है, राइट। और अगर कोई व्यक्ति सक्सेस होता है तो उसका इनक्रेज करें, तारीफ करें उसकी, ओके। और छोटी छोटी तारीफ उस व्यक्ति का हौसला और बढ़ाती है, और साथ में उन्हें आगे के लिए अच्छा काम करने की प्रेरणा भी देती है, राइट। सो ये छोटे छोटे चीजें आपको फॉलो करनी है टीम के अंदर, एक अच्छा कल्चर डेवलप करना है। नेक्स्ट है SDA, सिंगल डेली एक्टिविटी। अपने एक्टिव अपलाइन से आपको डेली बेसिस पे बात करनी है, और अपने एक्टिव डाउनलाइन से रोज बात करें, रोज नए प्रोस्पेक्ट से जरूर बात करें। यहाँ पे अपलाइन एंड डाउनलाइन, दैट्स ये एक टर्म है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, अपलाइन डाउनलाइन। और एटोमी बिजनेस के अंदर हमारे यहाँ पे अपलाइन और डाउनलाइन नहीं होता कोई भी, हमारे यहाँ पे लेफ्ट की टीम राइट की टीम सारे लोग बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, ये आपको समझना है, राइट। सो मैक्सिमम वर्ड आप यूज कीजिए बिजनेस पार्टनर्स, राइट, क्योंकि आप सभी लोग एटोमी के अंदर बिजनेस पार्टनर्स है, और आपको जिसने ज्वाइन करवाया वो यहाँ पे स्पॉन्सर है। सो पॉजिटिव चीजों को, कल्चर को अडेप्ट कीजिए, एटोमी का कल्चर है, स्पॉन्सर आपका अपलाइन बोला जाता है यहाँ पे, डाउनलाइन नहीं बोलते यहाँ पे किसी को भी, यहाँ पे बिजनेस पार्टनर्स बोलते हैं। सो स्पॉन्सर एंड बिजनेस पार्टनर, ये दो वर्ड आपको यूज करने हैं, और आपके अपने स्पॉन्सर और बिजनेस पार्टनर के साथ डेली बेसिस पे बात करनी है। अगर आप बात नहीं करोगे, चीजें छुपाओगे, तो टीम फिनिश होती चली जाएगी। और अगर आप ये सोचोगे कि मेरा अपलाइन मेरी टीम को खा जाएगा, तोड़ देगा, तो ये आपकी गलतफहमी होगी। इसलिए अपने टीम को कनेक्शंस करवाइए अपने स्पॉन्सर के साथ, ताकि टाइम टू टाइम वो गाइड करते रहे राइट डायरेक्शन में। और कोई भी स्पॉन्सर नहीं चाहेगा कि उसका कोई भी बिजनेस पार्टनर सक्सेस ना हो, राइट। सो आपका ट्रस्ट लेवल है अपने स्पॉन्सर के अंदर होना बहुत जरूरी है यहाँ पे। अगर आपको बड़ा काम करना है तो क्या करना है क्या नहीं, वो आपके मेंटर्स आपको टाइम टाइम पे गाइड करेंगे, वो अपनी टीम के अंदर चीजें डुप्लीकेट नहीं करनी है। सो सिंगल डेली एक्टिविटी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेली बेसिस पे बात करनी, काम हो या ना हो दैट इज सेपरेट। कभी काम ज्यादा होगा, कभी काम कम होगा, लेकिन आपका कम्युनिकेशन अगर ब्रेक हो गया और टीम विल बी फिनिश। सो कम्युनिकेशन यहाँ पे आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए, ओके। फोकस कीजिए डेली नए नए प्रोस्पेक्ट के साथ बात करने के लिए, कॉन्फ्रेंस कॉल करवाइए डेली बेसिस पे। आपको, आप एक लीडर हो, आपको अपग्रेड कौन करेगा, आप की टीम के सामने आपको प्रमोट कौन करेगा, आपका अपलाइन, आपका स्पॉन्सर। अगर आप अपनी टीम का कनेक्शंस नहीं करवाएंगे तो आप अपने आप को खुद प्रमोट करोगे टीम के सामने, तो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे हम। और हम ये सोचेंगे कि हम, हमारा जो अपलाइन है वो हमारी टीम को ये करेगा वो, तो ये चीज़ें, नेगेटिव थिंकिंग, थॉट प्रोसेस हमें रिमूव करनी पड़ेगी अपने दिमाग से। सो अगर इस नेगेटिव सोच के साथ हम काम करेंगे तो एक गलत सिस्टम डुप्लीकेट करेंगे हम अपने टीम के अंदर, और वो हमारी टीम देख रही है कि हम अपने अपलाइन से बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन नहीं है, एक दिन वो चीज़ें आपके साथ होंगी। सो जो चीज़ आप अपने स्पॉन्सर, अपने अपलाइन के साथ अपनी टीम से करवाएंगे, वही चीज़ आपके साथ कल डुप्लीकेट होना 100% प्रूवन है, ओके। डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स सही है। सो डेली बेसिस एक्टिविटी के अंदर ये चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, और अपने अपलाइन से कम्युनिकेट रखिए, स्पॉन्सर से बात कीजिए डेली बेसिस पे, और अपनी टीम की कॉन्फ्रेंस कॉल करवाइए, और आपको अपग्रेड आपका अपलाइन करेगा, हर जगह आपका अपलाइन आपका प्रमोशन करेगा। और आपका दायित्व है कि अपने अपलाइन की आइडेंटिफिकेशन सही तरीके से आपको करना है, और कभी भी अपने अपलाइन स्पॉन्सर के बारे में नेगेटिव चीज़ें अगर आपने टीम में कर दी, तो कल ना वो चीज़ें आपकी टीम देख रही, वो आपके बारे में करेगी। 100% प्रूवन है ये, आज नहीं तो कल ऐसा होगा, ऐसा ही होता है। और फिर वहाँ पे टीम ब्रेक होती है, ट्रस्ट लेवल डाउन होता है, जीरो होता है, और वहाँ से डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं। अगर कितना भी अच्छा बिजनेस हो, अगर ये चीज़ें आपने टीम के अंदर की, अपने प्लान की आइडेंटिफिकेशन नहीं की, अपनी जो टीम है बिजनेस पार्टनर से उसके बारे में गलत बोला, उल्टा सीधा बोला, तो यहाँ पे टीम का ब्रेकअप होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। और हम ये सोचेंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है,
आपने कार्डिनल रूल्स को तोड़ा है, यू विल गेट रिजल्ट 100%। और ऐसा होता है, और ड्रीम बहुत बहुत ब्रेक होती है, प्रैक्टिकली प्रूवन है चीजें। सो कार्डिनल रूल्स को खुद फॉलो कीजिए। आपने अपने टीम की मेंबर की कोई अगर किसी की नेगेटिव चीजें आ रही हैं आपको सुनने में, सिर्फ अपने स्पॉन्सर से बताइए, सर ये चीजें क्या करूं। टीम के अंदर कभी डिस्कस मत कीजिए कोई भी नेगेटिव चीज, और एटोमी के अंदर कोई नेगेटिव चीज नहीं है। ओके, सब थॉट प्रोसेस और माइंड सेट है लोगों का, जिसको जितना आता है वो उतना ही बोलता है। सो बेटर यू शुड बी कनेक्टेड विद योर स्पॉन्सर्स ऑलवेज, और अपने टीम को मेंटरशिप दिलाई अपने अपलाइन से, राइट? सो ये चीजें आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है, और आपका अपलाइन कभी नहीं चाहेगा कि मेरा डाउनलाइन यहाँ पे सक्सेस ना हो। तो जो ट्रस्ट लेवल है वो आपको बिल्ड करना होगा, और जो चीजें आपका अपलाइन बताता है वो माननी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हम आज जो भी हमारी उम्र है 20 30 50 साल, कोई मैटर नहीं करता, हम जाए वहीं रहेंगे। एटोमी के अंदर या किसी भी बिजनेस के अंदर आपको सक्सेस आपका अपलाइन बनाता है, राइट? और आपको क्या एक्शंस लेना है वो आपका स्पॉन्सर ही आपको यहाँ पे सिखाएगा राइट वे में, क्योंकि उसको पता है कि कब क्या क्या एक्शंस लेना है, क्योंकि उस पड़ाव से वो गुजर चुका है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है उसको पता होता है। तो ये चीजें आपको सोचना है, थॉट प्रोसेस सीखना है, और उस सिस्टम के अंदर टीम को डालना है, राइट? नेक्स्ट कोर लीडर बने। देखो कोर लीडर क्या होता है, कई लोगों की काफी चीजें होती है कि भाई कोर लीडर की डेफिनेशन अलग अलग होती है हर जगह। ओके, सबसे पहले कोर लीडर जो एक्टिव लीडर है, डेली बेसिस पे एक्शंस ले रहा है, आपकी बात मान रहा है, काम कर रहा है, एक्टिव लीडर कोई भी हो, दैट इज कॉल्ड कोर लीडर। और जो लोग लो काम करते धीरे धीरे पुराने हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, वो फिर टीम के कोर लीडर्स में बन जाते हैं। तो कोर लीडर हर कोई व्यक्ति बन सकता है, उसमें कोई वो इश्यू नहीं है। सो कोर लीडर का मतलब होता है आपकी टीम में 100 में से 20% वो लीडर है जो 80% टीम को कंट्रोल करते हैं। आप डायरेक्टली 80% पूरी 100% टीम को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो 80% टीम को कंट्रोल करने के लिए आपके पास 20 ऐसे कोर लीडर्स होने चाहिए, क्योंकि हर जगह आप भी नहीं जा पाओगे। सो आपके 20 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपकी कोर टीम में हो, और आप जो भी डायरेक्शन हो तो वो नीचे वो डुप्लीकेट करें ऑन बिहाफ ऑफ यू, राइट? ऑन बिहाफ ऑफ योर एजुकेशन सिस्टम। सो बिजनेस बैग, बिजनेस कॉर्नर, बिजनेस पर्स, अपने बिजनेस टैग्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हमें बनानी पड़ती है, ताकि हम डुप्लीकेट कर सके। जब भी आप जाओ कहीं भी अपना बना करके रखो सारी चीजें, मार्केटिंग मटेरियल्स वगैरह, एटोमी का टूल्स आपके पास होने चाहिए। अगर टूल्स आपके पास एटोमी के नहीं है, किसी के पास जा रहे हो प्रोडक्ट की नहीं है, डेमो करके आप लोग नहीं दिखा पाओगे, सो आप कोर लीडर नहीं। तो कोर लीडर को कोर लीडर के रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे ताकि वो बड़ा काम कर सके। तो डेली बेसिस पे कोर लीडर का काम ये है, एक प्लान वो खुद जरूर करें, शो द प्लान, एक प्लान डेली बेसिस पे खुद करें। अगर आपकी टीम के अंदर 100 प्लान डेली बेसिस पे डुप्लीकेट हो रहे हैं, सो बहुत बड़ा काम होता है। अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट हमेशा हम बढ़ाते रहें, मोस्ट इंपोर्टेंट है कोर लीडर का। कोर लीडर का ये नहीं है कि मैं भाई अपलाइन के ऊपर डिपेंड हूँ, और अपलाइन, टीवी सपोर्ट, पैसा और टीम, ये जो तीन चीजें हैं उनको हमारे दिमाग से निकालना पड़ेगा। एटोमिक कल्चर में ये तीन चीजें नहीं है। हम अपलाइन को सोच समझेंगे कि ये पैसा लगाएगा, ये मेरा टीवी देगा, ये मेरी टीम बढ़ाएगा, मेरी एक लेग चलाएगा, मेरे दो लेग चलाएगा, सो आप सक्सेस नहीं हो पाओ 100%। एटोमी का कल्चर नहीं है ये। एटोमी का कल्चर ये है, अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट आपको खुद बिल्ड करनी है, लेफ्ट एंड राइट की टीम को खुद बिल्ड करना है। अगर आपने दोनों तरफ अपनी टीम को बिल्ड नहीं किया, आप अपलाइन के ऊपर डिपेंड है, आपके नीचे कोई ऐसा लीडर आ गया जो टीम को लीड कर रहा है, दोनों तरफ काम कर रहा है, तो आपसे पहले वो सक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे सिस्टम इस तरीके का डिजाइन किया गया है कि आपको यहाँ पे पूरी टीम के साथ काम करना है। हाँ, टीम कैसे बिल्ड करनी है चीजें आपको सीखना है, लेकिन जो नेगेटिव परसेप्शन है दिमाग में कि अपलाइन मेरे को टीम देगा, मेरी ये चलाएगा, वो चलाएगा, विक्कर और पावर लाइक एटोमी के अंदर नहीं होती, ये सिर्फ इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोगों की धारणा है। विक्कर और पावर, जहाँ पे लेफ्ट एंड राइट लैग है, काम होता है बाइनरी कंसेप्ट काम होता है, एटोमी का जो कंसेप्ट है वो एक यूएलएम है। आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि कौन सा कंसेप्ट है, अनलिमिटेड लेवल मार्केटिंग है, और सबसे पहले तो आपको यूएलएम के कंसेप्ट में आना पड़ेगा, और वो तब आओगे जब आप दोनों तरफ काम करोगे। आपके दोनों तरफ वीक है, जब तक आपके पास स्टार मास्टर आपके टीम के अंदर नहीं आ जाते, रॉयल मास्टर, तब तक आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज, लेफ्ट लेग और राइट लेग, विकर और पावर लेग, जब तक आप इंपेल मास्टर बनते हो तब तक ये 3 टाइम्स चेंज होती है, 3 टाइम्स। ओके, विकर कब पावर बन जाए, पावर कब विकर में, आपको भी नहीं पता चलेगा डेफिनेटली, और ऐसा होता है, प्रैक्टिकली होता है, राइट? सो आपको यहाँ पे फोकस करना है, आपको दोनों तरफ टीम बिल्ड करनी है एज पर एटोमिक कल्चर, एज पर अवर डॉक्टर हैंगल पारक कल्चर, दोनों तरफ टीम बिल्ड करनी है, और दोनों तरफ बिल्ड करना है, दोनों
फ्लैग वीक मानिए तब तक जब तक आप इम्पीरियल मास्टर ना बन जाए, ये आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि मेरे दोनों फ्लैग वीक है, मेरे को बिल्ड करना है अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर और अपने मेंटर से सीखना है, क्योंकि हमारा मेंटर उसी स्टेज से गुजरा है, क्या क्या इशू जाते हैं पता है, और उसकी हेल्प लेनी है आपको, ना कि अपलाइन की हेल्प लो आप, सर मेरे को लोग दो, ये दो वो दो, फलाना दिखड़ा, दैट्स नॉट गुड, और आप फिर बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, तो जहाँ पे आप वहीं पे रहेंगे। ओके, सो गलत चीज़ों को टीम के अंदर कभी डुप्लीकेट ना करें, मनी सर्कुलेशन कभी नहीं करना, आगे बताऊंगा वो पॉइंट भी है गाइडेंस रूल्स के अंदर, वो भी मैं बताऊंगा। राइट, नेक्स्ट है 9 पॉइंट, लीडर तैयार करें। सबसे पहले फोकस कीजिए, दो लोगों को तैयार कीजिए, एक तो लेफ्ट का लोग आपके साइड में, एक राइट का बिजनेस पार्टनर, दो बिजनेस पार्टनर्स को ट्रेंड कीजिए 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर। ओके, हर महीने के अंदर टारगेट कीजिए कि मेरे को दो लोग रेडी करने हैं, इंडिपेंडेंट बनाना है, उनको सब कुछ सिखाना है। अगर आपने दो लोगों को रेडी कर दिया 1 महीने के अंदर, तो ये दो लोग हजारों लोगों को ट्रेंड कर देंगे। हमारी मेंटेलिटी ये होनी चाहिए कि मेरी टीम का जो लीडर है वो मेरे से बेस्ट हो। जब तक आप अपना बेस्ट वर्जन अपनी टीम के अंदर नहीं उतारेंगे, तब तक आप लोग बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। सो आपका मेन टारगेट होना चाहिए टीम के अंदर आपसे बेस्ट वर्जन आपको ट्रेंड करना है, आपसे अपग्रेड वर्जन आपको रेडी करना है यहाँ पर टीम के अंदर। सो डायरेक्ट सेलिंग इज वेरी इजी, क्योंकि यहाँ पे आपको एक काम करना है, वो काम है अपने जैसे काम करने वाले लोगों को तैयार करना है, आपकी टीम में प्लान देने वाले लोग तैयार रखें आप, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के लोग तैयार रखें, आपके लीडर्स तैयार रखें, होम मीटिंग खुद से करने वाले लोग रेडी कर रहे हैं आपको, को लीडर्स आपको बनाना पड़ेगा टीम के अंदर। एक बड़ी टीम बनाने के लिए आपको अपनी टीम में अपने जैसे या अपने से बेहतर लोग तैयार करने पड़ेंगे। नोट नोट कीजिए, यह बिजनेस हीरो बनने का नहीं, हीरो बनाने का है, ये आपको फार्मूला रेडी करना पड़ेगा। और जितने भी हमारे पास बिजनेस पार्टनर्स आते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि करना क्या है, और उनके अंदर पोटेंशियल बहुत होता है, बशर्ते आज तक कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिला है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। सो माँ के पेट से सीख करके कोई नहीं आता, सब लोग यहीं पे सीखते हैं। राइट, सो लोगों को हीरो बनाने का है, हीरो बनने, अगर आपने हीरो बना दिया लोगों का, तो डेफिनेटली आप तो ऑटोमेटिकली सक्सेस होगी। सो मैक्सिमम फोकस कीजिए, टीम के अंदर बेस्ट लीडर्स क्रिएट करना है, लोगों को सक्सेस करने के ऊपर फोकस करना है, और जितने भी बिजनेस पार्टनर्स हैं उनका काम है सीखना, गलत चीजें डुप्लीकेट अगर टीम में करेंगे तो उसका रिजल्ट गलत मिलेगा। राइट, सो ये 9 कार्डिनल रूल्स के स्टेप्स हैं जो आपको टीम के अंदर डुप्लीकेट करने हैं। राइट, और इसके बाद कुछ स्टेप्स और हैं, शायद टाइम अभी हो चुका है 9:45, अगर आप लोग रेडी हैं विल कंटिन्यू फॉर 10 मिनट्स, अदरवाइज नेक्स्ट जो 7 है चैट बॉक्स में लिखिए सर एक बार, आप लोग कंटिन्यू करें 15 मिनट हम। हैंड रेज कर सकते हैं सर, मीटिंग को कंटिन्यू करें, आवाज आ रही है मेरी शारदा सर, यस सर, आ रही है। कंटिन्यू करें 10 10 मिनट और काम है शायद। ओके सर, ओके ठीक है, थैंक यू सर। सो नेक्स्ट हमें फोकस करना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के 7 रूल्स का, क्या नहीं करना है। अभी तो मैंने आपको ये बताया है क्या करना है, 9 कार्डिनल रूल्स थे क्या करना है, और अभी मैं आपको ये बताऊंगा क्या नहीं करना है। अगर आपने ये 7 रूल फॉलो कीजिए, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, और 9 काम जो बताएं वो करना है तो भी आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और जो 7 रीजंस मैं अभी बता रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग के कार्डिनल रूल्स, उनको नहीं करना टीम के अंदर कभी भी। फर्स्ट है, कभी भी पहली बार कोई भी काम अपनी एक्टिव अपलाइन के बिना नहीं करना है। जब भी आप कोई नया काम कर रहे हैं तो अपने एक्टिव अपलाइन के साथ बात करें, डिसीजन लें, आपका अपलाइन आपको बताएगा, आपका स्पॉन्सर आपको बताएगा कि ये सही है या नहीं। दूसरा, कभी भी किसी भी कीमत पर किसी के भी पैसों के साथ, रिश्तों के साथ और उसके अहम के साथ खिलवाड़ ना करें। बिजनेस में फेल होने के 3 कारण हैं, फर्स्ट पैसों का लेन देन, कभी भी रिक्वायरमेंट पड़ गई आपके लेफ्ट की टीम के बिजनेस पार्टनर्स को, राइट की टीम के बिजनेस पार्टनर्स को, आपके स्पॉन्सर, पैसे का रोटेशन कभी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नहीं करना है। अगर आपने किसी को पैसा उधार लिया दिया, वो पैसा नहीं आएगा, भूल जाइए आप, और जब आप पैसा मांगेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, रिलेशन खराब होंगे तो बिजनेस खराब होगा यहाँ पे। राइट, सो पैसों का लेन देन कभी भी ना करें, और किसी के रिक्वायरमेंट के टाइम अगर आपने हेल्प कर भी दी तो वो पैसा नहीं आएगा।
मेरे साथ हो चुका है प्रैक्टिकली। मैंने काफ़ी लोगों की हेल्प की थी, रिक्वायरमेंट बैडली रिक्वायरमेंट, कोई घर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी लगा लीजिए आप, लेकिन मेरा पैसा अभी तक नहीं आया, राइट। सो ये मैं खुद भुगत भोगी हूँ। सो मैंने कार्डियन रूल को ब्रेक किया। सो आप ब्रेक ना कीजिए कार्डियन रूल को, पैसों के साथ खिलवाड़ ना कीजिए। पैसे का रोटेशन टीम के अंदर कभी नहीं करना, ओके। रिश्तों के साथ, उसके साथ एज ए फैमिली रिलेशन काम करना है। जितने भी आपके बिजनेस पार्टनर्स, अगर आपने फैमिली रिलेशन अच्छे नहीं डेवलप किए तो आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे। और कभी भी किसी के ईगो के साथ नहीं खेलना, किसी को डिमोरलाइज नहीं करना, डिमोटिवेट नहीं करना, हमेशा अपग्रेड करना है। सो किसी के ईगो के साथ नहीं खेलना, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कभी भी नहीं करना टीम में। कभी भी जिंदगी में आपका बिजनेस डाउन हो सकता है, जीरो हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आ गया यहाँ पे, और ईगो और मनी, ये तीन चीजें आपको कभी जिंदगी में नहीं करनी टीम के अंदर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कभी भी किसी प्रकार का नेगेटिव भूल से भी अपने डाउनलाइन कोर्स लाइन शेयर ना करें। आपके टीम के अंदर कोई भी इश्यूज है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, तो अपनी टीम की चीजें आपकी क्रॉस लाइक से और अपनी टीम से डुप्लीकेट ना करें, डिस्कस ना करें। आपके स्पॉन्सर से बात कीजिए, वो आपको रास्ता बताएंगे, तरीका बताएंगे, ओके। सो नेगेटिव चीजों का प्रसार और प्रचार किसी से भी ना करें, इन स्पाइट ऑफ यू, डिस्कस विद ओनली योर एक्टिव स्पॉन्सर। फोर्थ, नकारात्मक लोगों की संगत और नकारात्मक बातें करने से, नेगेटिव जितने भी पर्सन हैं उनसे बचें, उनके साथ ना रहें। और नेगेटिव थॉट प्रोसेस के लोग और नेगेटिव जो बातें करते हैं, हमेशा नेगेटिव, कुछ लोग हमेशा नेगेटिव करना, अरे मेरा ये नहीं होगा, मेरा वो नहीं होगा, रोना रोते रहेंगे लोग, नेगेटिव करेंगे, ऐसे लोगों से दूर होइए। क्योंकि वो उन लोगों को जो नेगेटिव सोच का चश्मा है वो लोग उतारना नहीं चाहते, और जब तक वो चश्मा नहीं उतरेगा तब तक वो लोग बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। सो नकारात्मक लोगों से दूर रहे और उनकी संगत से टीम को बचाएं। फिफ्थ, अपने से नीचे जगह जाने पर हीन भावना नहीं करनी चाहिए, अपने से ऊपर जगह जाने पर कोई घमंड नहीं करना चाहिए। एटॉमिक क्या बोलता है, हम्बल होके काम करना है। यहाँ पे आपने सेमी सेल्स मास्टर बन गए, सेल्स मास्टर बन गए, डायमंड एचआरएम इंपीरियल बन गए, और यहाँ पे अगर आप लोग ईगो दिखाओगे कि मैं ही हूँ, जब आप लीडर के अंदर कन्वर्ट होते हो तो आपके अंदर ईगो नहीं आना चाहिए। अगर आपके अंदर सक्सेस का ईगो आ गया, हम्बल होकर के काम नहीं किया, आपने कोई लेवल अचीवमेंट कर लिया, टीम को कुछ नहीं समझा, अपने अपलाइन को कुछ नहीं समझा, और कुछ थोड़ी सी चीज़ें सीख ली और फिर काम करने लग गए, और फिर आप ये सोचने लग जाओ कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे ज़्यादा किसी को आता नहीं। सो मैं ये बताना चाहता हूँ, ऐसे माइंड सेट से बड़ा काम हम नहीं कर पाएंगे। आपको अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। जब भी कोई भी सक्सेस लिखते हो आप, ईगो नहीं आना चाहिए, कम्युनिकेशन ब्रेकअप नहीं होना चाहिए अपने टीम से, अपने स्पॉन्सर से। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एटॉमिक के अंदर, और यहाँ पे हम्बल होकर काम करना। अगर आपने हम्बल होकर काम नहीं किया तो फिर भूल जाइए, फिर मास्टर नहीं जाओगे आप, ओके। बिल्कुल हम्बल होकर काम करना है, ओके। और कभी भी प्राउड फील नहीं करना, राइट। टीम में कोई व्यक्ति डायमंड जा रहा है, आपसे ऊपर जा रहा है, हमेशा चीयरअप कीजिए, हमेशा चीयरअप कीजिए। कभी भी नहीं सोचना कि भाई मैं नहीं गया तो वो कैसे चला गया, जेलसी फील नहीं करना कभी भी। ये चीजें आपको अपने ड्रीम से दूर लेकर के जाएंगी, ये चीजें। तो इनको, गलत चीजों को डुप्लीकेट टीम के अंदर नहीं करना है। सिक्स, कभी भी आर्गूमेंट ना करें। काफी लोगों की आदत है कि वो सिर्फ आर्गूमेंट में विश्वास करते हैं, बहस करते रहेंगे, उल्टी सीधी चीजें करते रहेंगे, काम करेंगे नहीं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। आर्गूमेंट कभी भी टीम में ना करें किसी भी, किल द आर्गूमेंट। जब आपको ये लगे कि ये बंदा आर्गूमेंट करेगा, 2 घंटे 4 घंटे बाद मत कीजिए, अगले दिन बात कीजिए उससे। जब ये लगे कि कोई बंदा गुस्से में है, एक दिन बाद बात कीजिए, उस टाइम बात मत कीजिए। हीट आर्गूमेंट किसी के साथ ना करें, वो आपका बिजनेस खराब कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, लास्ट, कभी भी किसी की आलोचना मत कीजिए और ना ही किसी को नीचा दिखाइए। ये जो बिजनेस है, हमें अपग्रेड करना है, एक दूसरे को सक्सेस करना है, और किसी को डाउन नहीं दिखाना है हमें यहाँ पे। किसी की बेइज्जती नहीं करनी है, गलत नहीं बोलना है टीम के अंदर, अपने आप को हमेशा हीरो नहीं बनना है कि मैं टीम के सामने हमेशा हीरो बना रहा हूँ और मेरा अपलाइन हमेशा जीरो बना रहे। ये चीजें आज आपने टीम के साथ गलत की तो कल ना आपकी टीम देख रही, वो आपके साथ सेम चीजें करेंगे। सो जैसे कुछ ऐसा होता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और यहाँ पे सक्सेस होने आए हम, ये लोगों का बिजनेस है। अगर आपने माइंड सेट और बेस गलत तरीके से बनाया है टीम का, तो ये चीजें आने वाले टाइम के अंदर आपको खुद भी फेस करनी पड़ेगी। ये रूल्स हैं, कार्डिनल रूल्स। अगर आपने ब्रेकअप किए तो ये चीजें आपका बिजनेस खराब कर सकती है, और ये प्रूवन है। जो भी कार्डिनल रूल्स बनाए गए हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, वो प्रूवन है, सक्सेसफुल लोगों ने बनाए हैं सारी चीजें अपने एक्सपीरियंस के आधार पे। हजारों लाखों लोगों ने ये कार्डिनल रूल्स
अपने एक्सपीरियंस, लाइफ के एक्सपीरियंस के आधार पे बनाए हैं, जो कि आपको बिना मेहनत के मिल रहे हैं कार्डियल रूल्स। लोगों का एक्सपीरियंस मिल रहा है 100 100 साल की लाइफ का, सोचिए आप। तो एक्सपीरियंस कभी किसी का गलत नहीं होता, और हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं हमें गलत गाइड कभी नहीं करेंगे, हमारा हमेशा भला चाहेंगे ताकि हम सक्सेस हो। सो आपका ट्रस्ट लेवल 100% होना चाहिए अपने अपलाइन के प्रति, वो ही आपको यहाँ पे सक्सेस करवाने में रोल अदा करेगा, राइट। और टीम के साथ मिलके कोलाबोरेशन होकर के काम करना। सो थैंक यू वेरी मच। और ये थे हमारे कार्डिनल रूल्स, क्या करना है आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, क्या नहीं करना है। नेटवर्क मार्केटिंग के कार्डिनल रूल्स ये हमें फॉलो करने हैं टीम के अंदर। ओके।